हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देविन गुप्ता। आज मैं स्टार्टअप पे चर्चा नहीं लाया हूँ। आज मैंने एक नया मुद्दा लाया हूँ कि वोटिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चूज योर गवर्नमेंट वाइजली, बिकॉज अगर आप अपनी वोटिंग नहीं करेंगे तो हम नया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को नहीं बना पाएंगे। और इस बार की सरकार से हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आएगी, चाहे वो ए है चाहे वो बी आए। लेकिन वोट कास्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि प्लीज, अगर आपको नहीं पता आपका कहाँ पे वोटर है, तो प्लीज गवर्नमेंट का एक साइट है electoralsearch.gov.in, वहां पे आप अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर लोकेशन कहाँ पर पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी आप वोट देने जाएं, अपने साथ आधार कार्ड या एक पैन कार्ड लेके जाएं या वोटर आईडी कार्ड लेके जाएं, ताकि आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके। वोट देना क्यों जरूरी है, ये दूसरा मुद्दा है। मैं इसको अभी इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, आज इतने स्टार्टअप्स इंडिया में आ गए हैं, इनको गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे दिया? ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। हमारे इंडिया में स्टार्टअप इंडिया आया, हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्ट इंडिया आया, तो ये सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक प्रोग्राम्स रन करती है जिसके द्वारा हमारा ट्रस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं, इंडिया में पैसा लगाते हैं तो स्टार्टअप्स में पैसा लगता है, स्टार्टअप्स में पैसा लगता है तो हम देखते हैं कि वो स्टार्टअप कल आईपीओ में जाता है, और आईपीओ में जाता है तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो ओवरऑल इस वोट के मुद्दे को आप एक छोटा मुद्दा मत समझिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कल प्लीज अपना वोट जरूर जाके देके आइए, और अगर आपको नहीं पता तो अपना electoralsearch.gov.in पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कास्ट योर वोट। जय हिंद।